सारे किसान वीरां नूं मेरे वल्लों सति श्री अकाल। अज दी इस वीडियो विच मैं मिर्चां दी फसल विच पाईआं जाण वालीआं बीमारियां अते उहनां दे हल लै के हाजिर होया हाँ। पूरी वीडियो जरूर देखना ते वीडियो नूं लाइक अते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। पहली बीमारी पाउडरी माइल्ड्यू यानी पत्तियां दे चिट्टे धब्बे। इस बीमारी नाल पत्तियां दे हेठले पासे चिट्टे रंग दे धब्बे दिखाई दिंदे हन। यह बीमारी पौधे नूं अपने खाने दे तौर ते वरतदी है जिस नाल पौधा कमज़ोर हो जाता है। यह बीमारी खास तौर पर फलों के गुच्छे बनन ते जां उस तो पहला पुराने पत्तियां ते हमला करती है, पर यह बीमारी किसी भी समय हमला कर सकती है। वध नुकसान समय पत्ते झड़ जाते हैं। इस बीमारी नूं काबू करन लई पहला तो खेत में पानी ना खड़ा होण दिओ अते साफ सुथरा रखो। इस नूं रोकण लई हेक्साकोनाजोल नूं स्टीकर 1 ml प्रति लीटर पानी नाल मिला के स्प्रे करो। अचानक मीह पैण नाल इस बीमारी का खतरा वध जाता है। ज़्यादा हमला होने समय पानी विच घुलनशील सल्फर 20 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी दियां 2 तो 3 स्प्रेहां 10 दिनां दे फासले ते करो। अगली बीमारी फाइटोपथोरा ब्लाइट यानी झुलस रोग। यह फाइटोपथोरा कैप्सिसी नाम की उल्ली कारण हुंदा है। यह मिट्टी विच पैदा होने वाली बीमारी है अते ज़्यादातर घट निकास वाली जमीना विच अते सही ढंग नाल खेती ना करन वाले खेतरां विच पाई जाती है। बदलवाही वाला मौसम भी इस बीमारी नूं फैलाउण विच मदद करता है। इस बीमारी नूं रोकण लई फसली चक्कर विच बैंगन टमाटर खीरा पेठा आदि घट तो घट 3 सालां तक ना अपनाओ। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी की स्प्रे करो। अगली बीमारी थ्रिप। यह ज़्यादातर खुशक मौसम विच पाया जाण वाला कीड़ा है। यह पत्तियां दा रस चूसदा है अते पत्ता मरोड़ रोग पैदा कर दिंदा है। इस नाल फुल भी झड़न लग जाते हैं। इन्हां दा हमला मापन लई नीले चिपकण वाले कार्ड 6 से 8 प्रति एकड़ लाओ। इन्हां दे हमले नूं घट करन दे लई वर्मी सीलियम लिकानी 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे की जा सकती है। जेकर इसका हमला वध होवे तां इमी डेक्लोप्रिड 17.8 SL जां फिप्रोनिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी जां फिप्रोनिल 80% WP 2.5 ml प्रति लीटर पानी जां एसीफेड 75% WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करो। जां थायमेथॉक्सम 25% WG 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की स्प्रे करो। अगली बीमारी डाईबैक एंड फ्रूट फ्लाई यानी पौधे मुरझाना अते फल गलना। इस नाल टाणियां अते पत्ते सुक जांदे हन अते नुकसाने हिस्सों ते काले धब्बे दिखाई दिंदे हन। धब्बे आम तौर ते गोल पानी वर्गे डूंघे हुंदे हन अते इन्हां ते कालियां धारियां बन जांदियां हन। वध धब्बे पैण नाल फल पक्कण तों पहलां ही डिग जांदे हन अते जिस कारण झाड़ बहुत घट जांदा है। वर्खा वाले मौसम समय यह बीमारी हवा चलन नाल वध फैलदी है। बीमारी वाले पौधे ते फल घट अते माड़ी क्वालिटी का हुंदा है। इस नूं रोकण लई रोधक किस्मां वरतो। बिजाई तो पहला बीज नूं थायरम जां कप्तान 4 ग्राम प्रति किलो नाल सोधन नाल जमीन चों पैदा होने वाली बीमारियों तो बचा जा सकता है। इस बीमारी नूं रोकण लई मैंकोजैब 2.5 ग्राम जां कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी नाल स्प्रे करो। पहली स्प्रे फुल निकलन तो पहला अते दूजी फुल बनन समय करो। अगली बीमारी विल्ट एंड डैम्पिंग ऑफ यानी उखेड़ा रोग। यह बीमारी मिट्टी विच ज़्यादा नमी अते माड़े निकास विच कारण फैलती है। यह मिट्टी तो पैदा होने वाली बीमारी है। इस नाल तना मुरझा जाता है। यह बीमारी नवे पौद्यां नूं पुंगरन तो पहला ही नष्ट कर दिंदी है। जेकर यह बीमारी नर्सरी विच आ जाए तो सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। इस नूं रोकण लई पौद्यां दे नेड़े मिट्टी विच कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम जां कार्बनडेजियम 200 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी पाओ। पौधे का उखेड़ा रोग जो जड़ गलन के कारण हुंदा है दी रोकथाम लई जड़ां नेड़े ट्राइकोडर्मा बायोफंगस 2.5 किलो प्रति 500 लीटर पानी पाओ। अगली बीमारी एंथ्रैकनोस। यह बीमारी कोलेटोट्राइकम पेपरेटम अते सी कैप्सिसी नाम की उल्ली करके हुंदी है। यह उल्ली गर्म तापमान वध नमी कारण वधदी है। नुकसाने हिस्सों ते काले धब्बे नज़र आउंदे हन। धब्बे आम तौर पर गोल पानी वर्गे अते काले रंग दियां धारियां वाले हुंदे हन। ज़्यादा धब्बियां वाले फल पक्कण तों पहलां ही झड़ जांदे हन जिस नाल झाड़ विच माड़ा असर पैंदा है। इस बीमारी की रोकथाम लई प्रोपेकोनाजोल जां हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर पानी की स्प्रे की जा सकती है। अगली बीमारी जैलोमोज़ेक यानी चितकबरा रोग।
इस बीमारी नाल पौधे ते हल्के हरे रंग दे धब्बे पै जांदे हन। शुरुआत विच पौधे दा विकास रुक जांदा है, पत्तियां अते फलां ते पीले गूढ़े पीले अते पीले चिट्टे गोल धब्बे बन जांदे हन। इस नूं काबू करन लई बिजाई समय हमेशा तंदरुस्त अते निरोग पौधे ही वरतो। इको ही फसल खेत विच मिर्चां दे नाल बार बार ना लगाओ। मक्की जां जवार दो लाइना, मिर्चां दीआं हर पंज लाइना बाद हवा दे वहाव दे उल्ट पासे बीजो। नुकसाने बूटे पुट के खेत तो दूर नष्ट कर दिओ। चेपे की रोकथाम लई एसीफेट 75 SP 1 ग्राम प्रति लीटर जां मिथाइल डैमेटन 25 EC 2 ml प्रति लीटर पानी की स्प्रे करो। मिट्टी विच दानेदार कीटनाशक कार्बोफ्यूरन फ्यूरेट 4 to 8 kg प्रति एकड़ पनीरी खेत विच लगाउण तो 15 to 60 दिन तो बाद पाओ। अगली बीमारी बैक्टीरियल लीफ स्पॉट यानी भूरे धब्बों का रोग। यह रोग आम तौर पर वर्खा के मौसम विच फैलता है। नवे पत्तियां ते पीले हरे अते पुराने पत्तियां ते गूढ़े अते पानी वर्गे धब्बे पै जांदे हन। वध नुकसाने पत्ते पीले पै जांदे हन अते झड़ जांदे हन। यह बीमारी तने ते भी पाई जांदी है, जिस नाल टाणियां सुक जांदियां हन अते कैंकर नाम का रोग पैदा हो जांदा है। इस नाल फल उत्ते गोल आकार के पानी वर्गे पीले घेरे वाले धब्बे पै जांदे हन। इस नूं रोकण लई प्रोपिकोनाजोल 25% EC 200 ml प्रति 150 to 200 liter पानी की स्प्रे करो। जां तुसीं क्लोरोथैनोलिन 75% WP की 400 to 600 gram प्रति 150 to 200 liter पानी की स्प्रे कर सकते हो। जेकर इस बीमारी का नुकसान दिसे तो स्ट्रैप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम अते कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 gram प्रति 200 liter पानी की स्प्रे कर सकते हो। मैं उम्मीद है कि वीडियो में दिती जानकारी तुहाडे लई लाभदायक होगी। जे वीडियो चंगी लगे तो वीडियो लाइक अते शेयर करना ते चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करना। मैं तुहाडे लई खेतीबाड़ी दी होर वीडियो लैके हाजिर हुंदा रहांगा। धन्नवाद। आखिर विच किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।